सत श्री अकाल दोस्तों, जिवें कि तुहानूं पता ही है कि पी एस टेट आ चुकिया है और समा बहुत थोड़ा है। तो अज के लैक्चर के असी एस एस टी पढ़ांगे। पी एस टेट के 60 नंबर की तुहानूं एस एस टी आनी है और उस दे विच सब तो वध एस एस टी के जिहड़ा सब तो वध सबजैक्ट आना है वह आना है मॉडर्न हिस्टरी, आधुनिक भारत। ठीक है जी। तो हर बार जब भी तुसीं पेपर दिने हो तो प्रीवियस पेपर चक के देखो, उस दे विच्चों जो सब तो वध प्रश्न पूछे जाते हैं वह पूछे जाते हैं जी आधुनिक भारत तो। पिछली बार थोड़ा जो ज्योग्राफी के प्रश्न ज़्यादा पूछे गए थे, तो इस बार संभावना लग रही है कि जिहड़ा हिस्टरी है हिस्टरी तो ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आप इस वीडियो के उन्होंने डिस्कशन करांगे और जिस तरह की भी डिस्कशन होगी तुहानू समझाई जाऊगी और बहुत ही आसान तरीके दे नाल तुहानू सारियां गल्लां जिहड़ियां उह दसियां जाणगियां, है ना। हालांकि क्वेश्चन एक होगा पर जदों आपां उहदी डिस्कशन करांगे तां उत्थों बहुत सारे प्रश्न बणगे। तां फिर आपां करदे हां स्टार्ट जी। तां देखो पहला प्रश्न है, सब तो पहला प्रश्न है कि भारत में आने वाली पहली यूरोपी कंपनी सी, मतलब यूरोप तो तुहानू पहली गल तां इह पता होना चाहिए कि जो अंग्रेज सी अंग्रेज भारत दे विच एज ए व्यापारी आए सी, मतलब वो भारत नाल व्यापार करन दे लई भारत दे विच आए सी, पर हौली हौली उन्होंने हालातों नू देख के भारत दे हालात समझ के उन्होंने की कर लिया सी, भारत नू अपने अधीन कर लिया सी। ठीक है जी। तो इत्थे आप देखण वाली गल ये है कि पहला अंग्रेज आए सी जां सिर्फ कल्ले अंग्रेज ही यूरोप तो भारत आए सी जां होर कोई भी आया सी। तो इसलिए प्रश्न पूछा है कि पहली कि यूरोपी कंपनी सी जो भारत दे विच आई सी। तो पहली यूरोपी कंपनी कौन सी? पुर्तगाली सी। सब तो पहला भारत दे विच आने वाले कौन सी? पुर्तगाली सी। मैं तुहानू इत्थे सीकुएंस भी समझा दिना कि किवें किवें जिहड़े जिहड़े यूरोप दे व्यापारी सी वो भारत दे विच आए सी। सब तो पहला पुर्तगाली आए सी, उस तो बाद डच आए सी, उस तो बाद अंग्रेज आए सी, तो उस तो बाद फ्रांसीसी आए सी। ठीक है जी। तो तुसीं इह क्रम भी याद कर लेना कि सब तो पहला पुर्तगाली आए सी, फिर डच आए सी, फिर अंग्रेज आए सी। तो तुसी इस चीज़ का ध्यान देना कि अंग्रेज जिहड़े तीजे नंबर पर आए सी ते फ्रांसीसी सब तो लास्ट के उत्ते भारत के व्यापार करन दे लई आए सी। ठीक है जी। तो पहला प्रश्न अपना फिर हो गया जी कि सब तो पहला भारत के आने वाले कौन सन? पुर्तगाली। तो कौन आया सी? वास्को डी गामा आया सी। वास्को डी गामा जो सी वह भारत के आया सी। फिर अगला प्रश्न है जी कि वास्को डी गामा भारत कदों आया? तो वास्को डी गामा भारत दे विच कदों आया सीगा जी? वास्को डी गामा भारत दे विच 1498 ईस्वी दे विच आया सी। और ये कित्थे पहुंचा सी? ये भारत का जिहड़ा पछमी तट है, भारत का जिहड़ा पछमी तट है कालीकट, कालीकट विखे वह पहुंचा सी। तो कालीकट विखे जिहड़ा आया सी कौन? वास्को डी गामा। तो उत्थे जिहड़ा सी इह उत्थे इसने अपनी बस्ती बनाई सी। कद आया सी? 1498 ईस्वी दे विच आया सी। और किस रस्ते तो आया सी? किस रस्ते तो आया सी? ये केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, गुड होप। ठीक है जी। इस रस्ते तो भारत दे विच आया सीगा। फिर अगला प्रश्न देखो जी, अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियां दियां भारत में प्रमुख बस्तियां केड़ियां सन? कई बार बस्तियां लिख देंदे ने, कई बार कोठियां लिख देंदे ने कि उन्होंने व्यापार करने वास्ते जो अपने हैडक्वार्टर बनाए सी, जो अपने अपनी फैक्ट्रियां उन्होंने लगाईआं सी, तो कित्थे कित्थे लगाईआं सी? तो इत्थे वी आपां देखदे हां कि उन्होंने केड़ियां केड़ियां जिहड़ियां फैक्ट्रियां लगाईआं सी जां केड़ियां केड़ियां बस्तियां बनाईआं सी। तो गोवा भी उन्होंने फैक्टरी सी, दमन दे विच भी सी, सालसेट दे विच भी सी, बसीन दे विच भी सी। तो यह सारिया उन्होंने बस्तियां, तो उपरोक्त सारिया बस्तियां किन्हां दीआं सीआं जी? पुर्तगालियां दीआं सी। अगला प्रश्न देखो, फ्रांसीसियां दीआं भारत में प्रमुख बस्तियां। हुण फ्रांसीसियां दी गल कीती आपां, ठीक है जी, पहला पुर्तगालियां दी गल कीती, हुण आपां फ्रांसीसियां दी गल करदे हां कि फ्रांसीसी जिहड़े सीगे, क्योंकि फ्रांसीसी भी भारत दे विच व्यापार करन वास्ते आए सी, तो उन्हां दीआं किहड़ियां प्रमुख बस्तियां सी? पांडीचेरी, जिहनूं पुडुचेरी भी बोल दिंदे आ, चंद्रनगर, कारीकल, उपरोक्त सारे। तो बिल्कुल जी उपरोक्त सारे इसका राइट आंसर आ। ये तीनों दियां तीनों बस्तियां जो सी किन्हां दियां सी? ये फ्रांसीसियां दियां सी। फिर अगला प्रश्न देखो,
डच कंपनी दियां प्रमुख बस्तियां, तो सब तो पहला आप पुर्तगालियां दियां बस्तियां पढ़िया, फिर आप किस दियां पढ़िया, फ्रांसीसियां दियां, तो हुण आप किस दियां देख रहे हैं, डचा दियां। क्योंकि आप इत्थे गल कीती सी ना कि यूरोप तो कल अंग्रेज ही नहीं आए सी, होर भी बहुत सारिया कंपनियां भारत के व्यापार करने आए सी, जिन्हां दे विचों सब तो पहला पुर्तगाली सी, फिर डच सी, फिर अंग्रेज सी, ते फिर फ्रांसीसी सी। जदों व्यापार करन भारत के विच आए सी तां उन्होंने फिर इत्थे आके अपनियां बस्तियां बनाइया सी, ते आपां उन्हां बस्तियां बारे ही पढ़ रहे हैं। तो इन्हां दियां बस्तियां कहड़ियां कहड़ियां सी, कोचीन, सूरत, नागापट्टनम, पुलीकट। हुण जिहड़ा सूरत आ जी, सूरत दे विच जिहड़ी बस्ती होगी उह अंग्रेजां दी भी होगी, अंग्रेज भी इत्थे जाके अपनी बस्ती बनाउणगे। ठीक है जी, तो उपरोक्त सारे इसका की है जी राइट आंसर है। फिर इस तो बाद देखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी नूं भारत नाल व्यापार करन दी आग्या कद मिली। तो हुण देखो जी कि ईस्ट इंडिया कंपनी सी, अंग्रेजा दी कंपनी सी, जो भारत दे नाल व्यापार करन वास्ते आई सी, तां उस टाइम दे विच की सीगा, उस टाइम दे विच की सी, भारत दे विच भी राजतंत्र सी ते इंग्लैंड दे विच तां हुण भी राजतंत्र ही है ना, तां इंग्लैंड दे विच भी राजतंत्र सी। तां जिहड़े उहनां दे व्यापारी सी, इक व्यापारियां दा ग्रुप सी, उहनां ने इक ईस्ट इंडिया कंपनी नां दी स्थापना कीती। ते उस तो बाद उहनां ने की कीता कि जो उस टाइम दी इंग्लैंड दी महाराणी सी, उस तो परमिशन लेती कि जी असीं भारत दे नाल व्यापार करना चाहुंदे आ, सानू भारत दे नाल व्यापार करन दी परमिशन दिती जावे। तां उह प्रश्न पुछिआ इस दे विच कि ईस्ट इंडिया कंपनी नूं भारत नाल व्यापार करन दी आग्या मिली, कदों मिली, मतलब तां कदों मिली सी इह जी, इह मिली सी 1600 ईस्वी दे विच। जे एग्जैक्ट डेट पुछ ले तां 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। ठीक है जी, तो उस टाइम इस नूं परमिशन देण वाली कौन सी, इस नूं परमिशन देण वाली कौन सी, एलिजाबेथ। ठीक है जी, एलिजाबेथ पहली। देखो ध्यान रखना, एलिजाबेथ पहली जिहड़ी सीगी उस टाइम दे विच महाराणी, ते उसने ईस्ट इंडिया कंपनी नूं 15 साल दे लई, किन्ने सालां दे लई, 15 साल दे लई भारत दे नाल व्यापार करन दा एकाधिकार दित्ता, जां भारत दे नाल व्यापार करन दी उहनां ने परमिशन दित्ती। ठीक है जी, फिर देखो अगला प्रश्न की है। आ देखो अगला प्रश्न पुछिआ उहने, कहिंदा ईस्ट इंडिया कंपनी नूं भारत नाल व्यापार करन दा एकाधिकार किसने दित्ता, ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਨੇ। ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੱਲੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਨਹੀਂ, ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਪਹਿਲੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਥੋਮਥਰੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੀਅਮ ਹੌਂਕਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਲੀਅਮ ਹੌਂਕਿਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਲੀਅਮ ਹੌਂਕਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਲੀਅਮ ਹੌਂਕਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋਮਥਰੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋਮਥਰੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਹੌਂਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਥੋਮਥਰੋ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਥੋਮਥਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਵਿਲੀਅਮ ਹੌਂਕਿਸ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਵਿਲੀਅਮ ਹੌਂਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਈਅਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਹੌਂਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋਮਥਰੋ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 1717 ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਚੁੰਗੀ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜੀ, ਫਰੋਕਸ਼ੀਅਰ। ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਰੋਕਸ਼ੀਅਰ। ਫਰੋਕਸ਼ੀਅਰ ਨੇ 1717 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚੁੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਬਰ, ਦੇਖੋ ਅਕਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ 1556 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1605 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਸੀ 1605 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1627।
ठीक है जी, औरंगजेब 1658 तो लेके 1707, ठीक है जी, तो ये उन्हों का टाइम पीरियड से। तो जो फ्रॉक्शियर से, क्योंकि जो औरंगजेब से, औरंगजेब की मौत तो बाद जो मुगल साम्राज सी वो अपने पतन वाल चल पिया सी, वो अपने पतन वाल चल पिया सी, मतलब वो खत्म होने वाल तुर पिया सी। हालांकि वह पूरी तरह खात्मा जिहड़ा जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुंदा है तो उस तो बाद उहदा की हो जाता है, पूरी तरह खात्मा हो जाता। पर औरंगजेब तो बाद जिहड़े उहदे उत्तराधिकारी से, जिहड़े अगले मुगल सम्राट सीगे, वह कमजोर से, बहुत ज़्यादा कमजोर से, और अंग्रेज उन्हां ते की हो गए सी, हावी हो गए सी। तो इसलिए 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुंदा तो उस टाइम दे विच कौन हुंदा है मुगल बादशाह? बहादुर शाह जफर। कौन हुंदा है जी? बहादुर शाह जफर। यह प्रश्न भी आ जाता है। और बहादुर शाह जफर जो है वह मुगलों का अंतम राजा कौन है? बहादुर शाह जफर। ठीक है जी, औरंगजेब तो बाद उन्होंने पतन होना स्टार्ट हो गया सी। ते बंगाल बिहार और उड़ीसा दे विच फ्री ट्रेड करने की परमिशन किसने दिती सी? फ्रॉक्शियर ने। ठीक है जी, कद 1717 ईस्वी दे विच। फिर देखो जी अगला प्रश्न है, करनाटक दियां तीन लड़ाइया किन्हां विच होईयां? करनाटक दियां तीन लड़ाइया, हुण करनाटक दियां तीन लड़ाइया किन्हां दे विच होईयां सी जी? ये होईयां सी अंग्रेजां ते फ्रांसीसियां विचकार। अंग्रेजां ते फ्रांसीसियां विचकार ये लड़ाइया होईयां सी, क्योंकि इंग्लैंड अते फ्रांस दा रिलेशन उस तरह ही है जिस तरह भारत और पाकिस्तान दा है। यूरोप दे विच इन्हां दा रिलेशन एवें है, बनदी नहीं इंग्लैंड और फ्रांस दी। ठीक है जी, तुसीं देखा होगा कि जो अमेरिका दा जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है जी, वह किसने पेंट किया? फ्रांस ने पेंट किया किसनू? अमेरिका नू, क्योंकि अमेरिका किन्हां दा गुलाम सी? जिवें भारत गुलाम सी, उवें ही इंग्लैंड दा की सी? गुलाम सी अमेरिका। और उहदे आजाद होण दे विच फ्रांस ने काफ़ी मदद की सी, और जदों आजाद हो गया तो फिर की हो गया सी, उन्हां ने गिफ्ट के तौर पर वह स्टैचू दिता सी। ते दोनों ही कंपनियां भारत दे विच व्यापार करन दे लई आईयां सी, क्योंकि उत्थे उन्हां दी जमदी नहीं सी, उन्हां दी बनदी नहीं सी, इसलिए भारत दे विच आके भी एक तो एक दूजे दे की सी? कंपीटीटर सी, और दूजा उन्हां दी बैकग्राउंड इस तरह की सी, तो इसलिए उन्हां दी जमदी नहीं सी। ठीक है जी, तो इसलिए उन्हां दे विच युद्ध हमेशा हुंदा रहिंदा सी। एक उन्हां दा बड़ा फेमस युद्ध हैगा जिहड़ा जी, सत साला युद्ध। ठीक है जी, ये पैरिस की संधि खत्म होया सीगा, फ्रांस अते इंग्लैंड दे विच होया पैरिस की संधि। ठीक है जी, इसका रिजल्ट यह सी कि करनाटक दी इन्हें तीन लड़ाइया, तो जिहड़ी तीजी ते लास्ट लड़ाई सी, जद एक्चुअल दे विच हुंदा की सी, जद यूरोप दे विच इंग्लैंड अते फ्रांस की लड़ाई शुरू हो जाती सी ना, तो भारत के भी दोनों कंपनियों के की हो जाती सी? लड़ाई शुरू हो जाती सी। जो उ खत्म हो जाती सी लड़ाई, तो भारत के भी की हो जाती सी? लड़ाई दोनों कंपनियों के खत्म हो जाती सी। फिर देखो जी अगला प्रश्न की है, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत को जितना शुरू किया, मतलब अंग्रेजों ने भारत, हालांकि अंग्रेज जोड़े से 1600 ईस्वी के आ गए से, उन्होंने 7-8 साल तो इतने परमिशन ही नहीं मिली व्यापार करने की, पर उन्होंने फिर हौली हौली व्यापार अपना की किया, व्यापार इतने किया। ठीक है जी, उन्होंने जहंगीर तो परमिशन लैती 1615 के आसपास, उन्होंने जहंगीर तो परमिशन लैती, फिर उन्हें की किया कि जड़िया कंपनियां से, जड़िया यूरोप दंपनिया से, जिमें पुर्तगाली से, डच से, फ्रांसीसी से, इन्हों हौली हौली खत्म करता, इन्हों हौली हौली खत्म करता, मतलब जोड़े अपने कंपीटेटर से उन्होंने की करता? हौली हौली खत्म करता। और इधरों उन्होंने खुशकिस्मती की सी कि जो मुगल साम्राज से वह भी की हो रहा है? खत्म हो रहा है, मुगल साम्राज्य भी खत्म हो रहा है। तो जोड़े उन्होंने प्रतिद्वंदी से, जोड़े उन्होंने कंपीटेटर से अंग्रेजों के, उन्होंने खुद खत्म करते, मुगल आपस में उलझ गए, जो भी भारतीय राजा से उन्होंने बगावत करती, तो इस करके जोड़े मुगल रूलर से वह खत्म हो गए। तो फिर इतने अंग्रेजों को अगे बढ़ने का मौका मिलया, और फाइनली उन्होंने की किया, जो 1757 ईस्वी जाके उन्होंने एक लड़ाई लड़ी बंगाल के जाके, जिहड़ी प्लासी की लड़ाई सी, जिहड़ी कि लड़ाई सी? प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी के हुई, और इतों ही उन्होंने की करता सी, भारत को जितना शुरू करता सी, मतलब भारत की राजनीति दे विच उन्होंने की किया सी, अपने हथ जमाने शुरू करते सी, और जिस दे विच उन्होंने बहुत सारी सफलता मिली। फिर देखो अगे, देखो प्लासी की लड़ाई कदों हुई, प्लासी की लड़ाई हुई कदों सी? तो यह 23 जून 1756 ईस्वी के हुई सी। अच्छा, मैं 1756 बोलता,
हाँ छपंजा दे विच शुरू हुई सी, ठीक है जी, छपंजा दे विच शुरू हुई 23 जून 1756 ईस्वी दे विच, ठीक है जी, और फिर 57 तक खत्म हो गई हो, ठीक है जी। फिर देखो कि प्लासी की लड़ाई किस विचकार हुई, प्लासी की लड़ाई दे विच कौन कौन सी जिन्हों के विचकार लड़ाई हुई। तो प्लासी की लड़ाई दे विच एक पासे बंगाल का नवाब सी, एक पासे कौन सी बंगाल का नवाब सी, ठीक है जी, और दूजे पासे कौन सी अंग्रेज सी, ठीक है जी, दूजे पासे कौन सी अंग्रेज सी। तो बंगाल का नवाब उस समय कौन सी सिराजुद्दौला, ठीक है जी, नाम तुसी चंगी तरह याद कर लेना, इसका नाम है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक है। तो अंग्रेजों की तरफ कौन सेनापति सीगा, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है जी, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव जो सीगा उस समय अंग्रेजों का सेनापति सीगा। तो इन दोनों के विचकार हुई, ऑप्शन के विच तुहानू बंगाल का नवाब तो अंग्रेज भी आ सकता, ऑप्शन के विच तुहानू रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला भी आ सकता, ठीक है जी। फिर अगे देखो अगला प्रश्न देखो, सिराजुद्दौला तो बाद बंगाल का नवाब कौन बनया। तो होया कि सी असल दे विच कि जो अंग्रेज तुहानू पता बहुत छात्र से, अंग्रेजों ने की किया जदों भारत के व्यापार करन दे विच आए सी अंग्रेज, है ना, ठीक है। तो जदों उन्होंने पता लग्या कि जिहड़े मुगल कमजोर हो रहे, तो उन्होंने फिर हौली हौली की किया सी अपना जिहड़ा अपनी शक्ति वधाउणी शुरू करती सी। और बंगाल दे विच तुहानू पता ही उन्होंने फ्री व्यापार करन दी परमिशन किसने देती सी, फरुख शेर ने देती सी। तो इसलिए जो बंगाल का नवाब सी सिराजुद्दौला ते अंग्रेज जो सी उन्हां दे विचकार तनाव पैदा हो गया, ठीक है जी, उन्हां दे विचकार तनाव पैदा हो गया। तो अंग्रेजों नूं पता लग गया सी, क्योंकि अंग्रेज की करन लग गए सी, अंग्रेज नवाब दे हर काम दे विच इंटरफेयर करन लग गए सी, इसलिए अंग्रेजों नूं पता लग गया सी कि कदे ना कदे असीं जो सिराजुद्दौला है वह साडे नाल युद्ध जरूर करेगा, ठीक है जी, कदे ना कदे जो सिराजुद्दौला है वह साडे नाल युद्ध शुरू जरूर करेगा। इसलिए उन्होंने की किया कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति सी मीर जाफर, सिराजुद्दौला का जो सेनापति सी मीर जाफर, उसनू अपने नाल मिला लिया, उन्होंने की किया अंग्रेजा ने अपने नाल मिला लिया कि असी की करांगे, जे तू साडा साथ देऊंगा तो असी तैनू की कर देंगे बंगाल का नवाब बना देंगे, सिराजुद्दौला असी हटा देंगे जे तू युद्ध दे विच साडा साथ देऊंगा। तो उही होया जब प्लासी की लड़ाई हुई, जदों प्लासी की लड़ाई हुई तो फिर मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति सी, उन्होंने की किया अंग्रेजों का साथ दिता। सिट्टे वजों की होया कि प्लासी की लड़ाई के सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेज जित गए, इतों ही उन्होंने भारत को जितना स्टार्ट करता। इतों उन्होंने यह भी पता लग गया कि भारतीयों को किवें हराया जा सकता, कि उन्होंने बेच आपसी फुट पा दो, उन्होंने कोई लालच दे दो जिस नाल अपने मालक नाल जा जिस नाल अपने राजा नाल की करन गद्दारी करन, ठीक है जी, गद्दारी करन। तो इन्हों ये पता भी लग गया कि भारत को किवें जितया जा सकता। तो फिर मीर जाफर जो किसका सेनापति सी सिराजुद्दौला का, ठीक है जी, तो उसने की किया अंग्रेजों का साथ दिता सी। तो फिर उन्होंने की किया जो उन्होंने प्रोमिस उन्होंने किया मीर जाफर ने कि जेकर साडा तू साथ देगा तो असं तैनू की बना देंगे बंगाल का नवाब बना देंगे, है ना, ठीक है जी। तो फिर उन्होंने जो सिराजुद्दौला की मौत हो गई युद्ध के हार गया, तो उस तो बाद उन्होंने अपना प्रोमिस जोड़ा नभाया तो मीर जाफर बंगाल का नवाब बनाता, परंतु वह ज़्यादा टाइम नहीं रहा। फिर देखो जी अगे प्रश्न देखो कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन सीगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन सीगा, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव भी इन बोल देंगे। तो लॉर्ड क्लाइव असल दे विच जो अंग्रेजों ने बंगाल में जित लिया, ठीक है जी, प्लासी की लड़ाई हुई, सिराजुद्दौला मारिया गया, बंगाल जिहड़ा अंग्रेजों के अधीन हो गया, है ना, अंग्रेजों के कोल चला गया बंगाल, तो उन्होंने बड़ी हुशियारी नाल काम लिया, उन्होंने इक्को दम उहदे उत्ते कब्जा नहीं किया, उन्होंने बड़े दिमाग नाल काम लिया। उन्होंने की किया कि बंगाल नूं दो हिस्सों के विच वंडता, उन्हें की किया कि मीर जाफर नूं की करता, मीर जाफर नूं सिर्फ दिखावे दे नाल की करता, उहदा नवाब बनाता, अपना प्रोमिस भी निभाता तो इसनों अपने अधीन भी रखिया, कठपुतली बना के उन्हूं की करता, उहदा की करता बंगाल का नवाब बनाता। तो बंगाल का अंग्रेजों ने गवर्नर बनाता किसनों, लॉर्ड क्लाइव नूं, क्यों, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव ने ही जितया सी बंगाल, इसलिए खुश होकर उन्होंने कहा भी लै भी तू इसका गवर्नर आ, ठीक है, कर तू ऐश, ठीक है जी, पर कंट्रोल तू कित रखना मीर जाफर के उत्ते पूरा कंट्रोल रखना। असल दे विच शक्ति किहदे कोल आ, लॉर्ड क्लाइव कोल, क्योंकि वह गवर्नर आ, तो दिखावे दे लई किहनूं बनाता, मीर जाफर नूं की बनाता, बंगाल का नवाब बनाता। तो इसलिए पहला गवर्नर कौन आ, पहला गवर्नर की गल की, अगे आके गवर्नर जनरल आऊगा बंगाल का, फिर आऊगा गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल आऊगा, फिर भारत का वायसराय आऊगा। फर्क पता होना चाहिए थानू, क्योंकि देखो
उन्होंने हाले बंगाल जीत, इसलिए वह बंगाल का गवर्नर। ठीक है जी, जो उन्होंने थोड़िया जी शक्तियां होर दित्तियां जाएंगा तो फिर वह की बना देंगे, उन्होंने बंगाल का गवर्नर जनरल बन जूगा, पोस्ट बच जूगी। फिर जिमें हौली हौली वह भारत को जितने तो काफ़ी सारा भारत उन्होंने अधीन हो जूगा, फिर भारत का गवर्नर जनरल बनूगा, है ना। हमने इनू आप भी उन्होंने जितया तो जो बंगाल आप बंगाल उन्होंने अधीन आ, तो आप किमें कह सकते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल, जो भारत उन्होंने अधीन है ही नहीं हाले। ठीक है जी, 1933 कह रहे हैं, 1833 के आस पास आके, 1833 के आस पास आके जो लगभग 80% भारत को जित लेंगे डायरैक्ट या इनडायरैक्ट वे नाल, जाके पोस्ट जी चेंज होगी। फिर की आ बंगाल के गवर्नर जनरल तो कि पोस्ट बन जूगी, कि पोस्ट बन जूगी भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चार तरह का प्रश्न आते हैं इतों, तुम जो बंगाल का पहला गवर्नर पूछ कौन सी? लॉर्ड क्लाइव। तुम पूछ ले बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन सी? वह कौन सी? 1772 के बनया कौन? लॉर्ड वॉरन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरन हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स। ठीक है जी, तुहानू भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछ ले, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तुहानू भारत का पहला वायसराय पूछ ले, भारत का पहला वायसराय कौन सी? लॉर्ड कैनिंग। कौन सी जी? लॉर्ड कैनिंग। तो सब दे विच फर्क है, ठीक है जी, लॉर्ड कैनिंग। आई थिंक तुसी ये चीज़ समझ गए होंगे। फिर देखो अगला प्रश्न की है कि बक्सर की लड़ाई कदों हुई? बक्सर की लड़ाई जस्ट जदों प्लासी की लड़ाई हुई है तो उस तो लगभग 6-7 साल बाद ही कि लड़ाई हुई? बक्सर का युद्ध होया कदों होया? 23 अक्टूबर 1764 के बीच। हुण इहदा की कारण सीगा? अंग्रेजा ने जो मीर जाफर नूं बनाया सी ना बंगाल का नवाब, मीर जाफर नूं, ठीक है जी। हुण मीर जाफर सिर्फ अंग्रेजा की की सी? कठपुतली सी। उन्हूं थोड़ा नज़ारा जहा नहीं आ रहा कि यार मैं बंगाल का नवाब भी हाँ पर मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि शक्तियाँ ही है नहीं, कोई सुनता तो मेरी है नहीं, इसलिए उन्होंने तो उसने थोड़ा फड़फड़ा शुरू करता। उन्हें की करता? फड़फड़ा शुरू करता कि यार अंग्रेजा तो छुटकारा पाइए, थोड़ी शक्ति हो गई अपने हाथ के। अंग्रेजा को जदों भी पता लग्या कि यह बंदा जिहड़ा अपने हथों जा रहा, उन्होंने की करता? मीर जाफर गद्दी तो लाता, चल पासे, असी तैनू बनाया बंगाल का नवाब, तू साडे अगेंस्ट ही की कर रहे हैं, चालां चल रहे हैं, चल वापस। तो उन्होंने की किया? मीर जाफर के जवाई न, मीर जाफर के जवाई नू, मीर कासम, जिहदा नाम की सी? मीर कासम। मीर कासम नू बंगाल का नवाब बनाता। मैं दस रहा, पहला सराजुद्दौला सी, सराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई के हार गया, हारिया कि करके? मीर जाफर करके, क्योंकि मीर जाफर ने उस नाल दगा किया, उन्हें अंग्रेजा का साथ दिता, पर बाद दे विच जदों अंग्रेजा ने उसके उत्ते शिकंजा कसया तो उसने अंग्रेजा तो छुटकारा पाने की कोशिश की, पर अंग्रेजा नू पता लग गया, उन्होंने मीर जाफर नू हटाता। तो उस तो बाद किसनू बनाता उन्होंने बंगाल का नवाब? मीर कासम। मीर कासम कौन सी? मीर जाफर का जवाई सी। हुण ये बंदा बहुत योग सीगा, ये बंदा योग योग सी, यह समझ ये चाहता नहीं सी कि अंग्रेज मेरे उत्ते कंट्रोल करन, ठीक है जी, अंग्रेज मेरे उत्ते कंट्रोल करन, इसलिए इसने की किया? मीर कासम ने की किया, हुण तुसीं ध्यान नाल सुनो मेरी गल, मीर कासम जो बंदा सी उसने की किया? उसने एक योजना बनाई, उसने की किया जी? उसने एक योजना बनाई मीर कासम ने। मीर कासम जिहड़ा जोग सी मैं तुहानूं पहले दसता, उन्हूं पता सी कि मैं पल जिहड़ा कल्ला अंग्रेजा तो नहीं जित सकता, इसलिए उसने दो बंदे होर बनाए अपने नाल। एक दा नाम सी शाह आलम, शाह आलम, ठीक है जी। दूजे दा नाम सी सिजाउद्दौला, सिजाउद्दौला, ठीक है जी। मैं तुम दस देना कि वह नाम सिराजुद्दौला से, जो पहला से यह सिजाउद्दौला। शाह आलम कौन सीगा? यह मुगल बादशाह से, मुगल बादशाह से, और यदि शक्ति बहुत घट हो गई सी। मैं तुम्हें पहले ही दसिया कि औरंगजेब तो बाद जो मुगल सम्राट से उन्होंने शक्ति घटनी शुरू हो गई सी, शक्ति बहुत गई सी मुगल बादशाह शाह आलम, यह अंग्रेजा तो परेशान से। दूजा से सिजाउद्दौला, यह सी अवध का नवाब, यह कौन सी? अवध का नवाब, अवध एक प्लेस है, ठीक है जी, यह भी अंग्रेजा तो परेशान से। मीर कासम यह तो परेशान सी गए सीगा।
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ, ਬਕਸਰ ਦਾ। ਕਦ? 23 ਅਕਤੂਬਰ 1764 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 23 ਅਕਤੂਬਰ 1764 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ? ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਤਿੰਨੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ? ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਬੰਗਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਉੜੀਸਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੀਵਾਨੀ ਰਾਈਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਤਾ, ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ, ਸਜਾਉਦੌਲਾ, ਸਰਾਜੂਦੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਦੌਲਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, 1765 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸੀ, ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਕਸਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਸੰਧੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦ ਹੋਈ? 1765 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਜੋ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸਜਾਉਦੌਲਾ ਜੋ ਕਿ ਅਵਧ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਇਸਦਾ ਦੀਵਾਨੀ ਰਾਈਟ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਜੂਗੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਜੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਜੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ। ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ 1717 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਫਰੋਕਸ਼ੀਅਰ ਨੇ। ਪਰ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ? 1765 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਸ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੂਰ ਦੀਆਂ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਮੈਸੂਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਜੋ ਕਿ 1799 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ 1799 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਸੂਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਹਰਾਉਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ? ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ? ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਸੀ ਮੈਸੂਰ ਦੀ? ਰੰਗਾਪਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਕਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਕਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਸੈਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ।
उस सेना का की करना पैना, खर्चा देना पैना। और एक दो शर्त होर मनणियां पैनिया कि साडी मर्जी तो बगैर तू किसी ना दोस्ती नहीं करेगा, साडी मर्जी तो बगैर तू किसी राजे नाल युद्ध नहीं लड़ेगा, है ना। ठीक है जी, बहुत हुशियार सी अंग्रेज, है ना। तो वह की कहते सैना साडी रख ला, तैनू रखने की लोड़ नहीं, है ना। हुण जिहड़ा सैना रखूगा, जिहड़ा सैना रखूगा वह तो हमेशा वह प्रति सैनिकता वफादार रहेंगे ना। तो यह उन्हों का बहुत बड़ा एक चाल सी। किसने शुरू की सी? वैलजली ने। तो वैलजली ने किसनों हराया सीगा? टीपू सुल्तान। तो देखो जी, ये सीगे अज के प्रश्न। आई थिंक तुहानू बहुत वधिया लग्या होगा पढ़ के, और बहुत सारे तुहाडे डाउट क्लीयर हो गए होने, और बहुत सारी नॉलेज तुहानू मिल गई होगी जो कि पी एस टैट के तुहाडे लिए बहुत हैल्पफुल होगी। जे वीडियो चंगी लग रही है तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और सानू दस्सिओ जरूर के साडा जिहड़ा एफर्ट किवें लग्या। थैंक यू सो मच।